नमस्कार प्रवेश जी, आप घूंघट में घोटाला कर रहे हैं हमारे आजमपुर आए, इसके लिए मैं आपका वेलकम करती हूँ। बहुत समय के बाद आप और हम साथ काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है प्रवेश जी के साथ काम करके। मेरी दिली ख्वाहिश थी जो आज पूरी हुई है। और मैं प्रवेश जी से जानना चाहती हूँ कि आपको आजमगढ़ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आजमगढ़ बोले तो हम लोग का घर ही है एक तरह से, गाजीपुर का मैं हूँ। तो आजमगढ़ और गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर में कोई फर्क नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप आजमगढ़ की हैं, मैं गाजीपुर का हूँ। तो आजमगढ़ में आके मुझे मतलब मुझे लगता है घर में ही हूँ मैं। कहीं हम लोग जाते हैं गुजरात शूटिंग करने, बॉम्बे जाते हैं, बाहर बाहर जाते हैं, लेकिन आजमगढ़ में ऐसा लगता है कि नहीं, घर पे ही। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, जो लोकल लोग हैं उनका सपोर्ट है और कोई डिस्टरबेंस नहीं है शूटिंग में। हम लोग ऐसा पहले बाहर से फील करते हैं कि अरे हम लोग आ जाएंगे तो बहुत क्राउड का डिस्टरबेंस होगा, शूटिंग में डिस्टरबेंस होगा, शूटिंग में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो हम लोग एक बार बोलते हैं भैया इधर हट जाइए तो हट जाते हैं जी। और जो बोलते हैं वो सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आजमगढ़ घर जैसा मेरे है और बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। मैं आपसे एक प्रश्न और करूंगी, आपके साथ इस फिल्म में जिसका नाम है घूंघट में घोटाला, इसमें दो नई कलाकारा हैं जो आपके अपोजिट काम कर रही हैं। पहले की जो हीरोइने आपके साथ काम की हैं उनमें और आज के इसमें क्या फर्क लग रहा है आपको? देखिए, हमेशा जनरेशन चेंज होता है और होना भी चाहिए एक तरह से, मैं जो मानता हूँ। और पहले की जो थी वो आज भी है, आज भी हम उनके साथ काम करते हैं और आगे भी उनके साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि नई आ गई तो हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन इस फिल्म में, खासकर घूंघट में घोटाला में, सब्जेक्ट ऐसा था कि एकदम नया सब्जेक्ट था जी। इसमें आप मुझे एक नया प्रवेश लाल देखेंगे। अच्छा। इसमें जो हमारे इर्द गिर्द जो करेक्टर है वो आपको नए नए दिखेंगे जी। कोई ऐसा नहीं देखेगा कि पुराना कोई करेक्टर।